बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इमरान है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो मैं अपने चैनल पे अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए, अपने प्यारे नाज़रीन के लिए हमेशा कुछ नया और मज़ेदार शेयर करता हूँ। जैसा कि आज की बात की जाए तो आज मैं आपसे सब्जी बनाने की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगा, इंशाल्लाह आप चिकन मटन गोश्त खाना भूल जाएंगे। वैसे भी आजकल आप जानते हैं कि गोश्त बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। मुर्गी की बात करें तो मुर्गी खरीदने जाएं ना जनाब, तो मुर्गी कहती है थोड़ा सा पीछे हट जाएं, मैं आपकी पहुंच से दूर हूं। तो घबराना नहीं जनाब, आज मैं आपसे सिर्फ 40 रुपए के आलू से एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगा जिसे बनाने के बाद जब दस्तरखान पे आप रखेंगे ना, तो सारे चिकन मटन गोश्त को भूल के इस रेसिपी को खाना पसंद करेंगे। बनाना बहुत आसान है, बड़ी मजे की ये रेसिपी बनती है, तो आप इसे इस गर्मी के मौसम में लाजमी ट्राई करिएगा। तो चलें देखते हैं ये मजेदार सी रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और आज हम इसे कैसे तैयार करेंगे। चलें जी शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कढ़ाई में डालेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। अच्छे से गर्म करने के बाद 3 चीजें इसमें डालेंगे, खुश्क धनिया, साबुत जीरा और थोड़ी सी अजवाइन। अच्छे तरीके से इसको आपने पहले कड़कड़ा लेना है। इसके बाद इसमें डाल देंगे यहाँ पे प्याज, एक बड़े साइज का प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक सा आपने प्याज को काट लेना है। आग का फ्लेम नीचे हाई ही रखेंगे क्योंकि ये जल्दी से तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएं। तो प्याज आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से ब्राउन कर लिए हमने, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कुटा हुआ यहाँ पर अदरक और लहसुन, कम ही इस्तेमाल करेंगे। अगर लहसुन नहीं खाना चाहते तो बेशक आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अदरक लहसुन के साथ इसमें डाल देंगे लाल लाल टमाटर और हरी हरी मिर्ची, ये तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और 4 बड़े साइज़ की सब्ज मिर्ची हैं, जिसको आपने बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक सा काट लेना है। अब यहाँ पर आपने प्याज के साथ मिर्ची को और लाल लाल टमाटर को अच्छे तरीके से पका लेना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे प्याज और सब्ज मिर्च टमाटर अच्छे से आप देख चुके हैं, भुन चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है। चलिए अब बारी है इसमें शामिल करने की जनाब, यहाँ पे आलू, आधा किलो आलू आपने ले लेने हैं। अच्छे से उबाल के इस तरह से आप नन्हे मुन्ने से इसके पीस बना लेने हैं। ज़्यादा बड़े पीसेस रेसिपी में नहीं करेंगे क्योंकि ये रेसिपी बड़ी कमाल की बनेगी। आलू के साथ इसमें डाल देंगे यहाँ पर ठंडा ठार दिल बहार दही, आधा कप आपने दही ले लेना है। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे तरीके से आपने इसको फेंट के खूबसूरत सा बना लेना है। चलिए दही डालने के बाद इसमें डालेंगे यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत सा ये येलो कलर का हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून भर के, और काली मिर्च भी नाप डालूँगा, ये जाएगी सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी। ठीक हो गया। अब ये तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लेना है और नीचे बिल्कुल हल्की आंच करके ना आपने इनको भून लेना है, ताकि मिर्च मसाले जब दही के साथ आलूओं के साथ पकेंगे ना, तो यकीन करें कमाल हो जाएगा। आपने हाई फ्लेम नहीं करना वरना दही का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। फिर आप मुझे कमेंट्स करेंगे कि इमरान भाई आपने तो कहा था कमाल हो जाएगा, ये तो धमाल हो गया। तो देखें माशाल्लाह, सिर्फ हमने 6 मिनट आलू की सब्ज़ी को दही मसालों के साथ पकाया है। देखें माशाल्लाह कितनी मज़े की और ग्रेवी वाली सब्ज़ी तैयार हो गई है। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब इतना सा दही का पानी इसमें रह जाए जनाब, तब आपने इसमें डाल देना है नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से, ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना कड़वा हो जाएगा। चलें खुशबू के लिए इसमें डालेंगे जनाब यहाँ पर कसूरी मेथी, इसने जो धमाल मचानी है ना, यकीन माने पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू जानी है। चलें एंड पे जनाब 2 चीज़ें आपने इसमें लाजमी और ज़रूर डालनी है, सब्ज़ मिर्ची और हरा हरा सा सब्ज़ धनिया। इंशाल्लाह ताला ये इतनी खुशबू लेके आएगा, इतनी खूबसूरती लेके आएगा कि सादा सी ये दही वाली आलू की सब्ज़ी जनाब आपके चिकन मटन गोश्त को पीछे छोड़ देगी। घर में एक दफ़ा ये दही आलू मसाला लाजमी बनाइएगा, आप महंगे चिकन मटन गोश्त खाना भूल जाएंगे। आजकल आपने देखा इतनी महंगाई है, और स्पेशली मुर्गी की बात कर लें जनाब,
तो वो कहती है पीछे हटके खड़ा हूँ मैं, आपकी पहुँच से दूर हूँ। तो जनाब हमने सोचा क्यों ना आलू की ये मज़ेदार सब्जी बनाएं और मुर्गी को कर दें बाय बाय। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, दम लगाएंगे और 5 मिनट के बाद दोबारा आपसे मिलेंगे। चलें जी, 5 मिनट दम लगाया है तो ज़रा एहतियात से, प्यार से, मोहब्बत से, खूबसूरती से, एहतियात से दम खोलेंगे और दिल को थाम लेंगे। जनाब देखें माशाल्लाह, कहने को जनाब तो ये 40 रुपए के आलू हैं, रिजल्ट आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखें खूबसूरत कितनी सब्जी है, कितनी मज़े की और हल्की फुल्की सी है। अच्छा स्पेशली जब गर्मी का मौसम स्टार्ट है तो दोपहर में ये मज़ेदार सी आलू की तरकारी बनाएं और सबको खुश कर दें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें जनाब यहाँ पे रेसिपी हुई कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे तो रेसिपी को आप लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे प्यारे रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त, ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा यार, अल्लाह हाफिज़।